One side of face is never symmetrical to the other side of face. They are never mirror images of each other. However, such asymmetries are quite noticeable in some patients. So, hello friends, I'm Dr. Deeksha Deekshit, a cosmetic and plastic surgeon, co-founder of DS Culprit Clinic at GK1 in New Delhi. और आज हम बात करेंगे ऐसे most common reasons of asymmetry of face and how we can fix them. So generally, there are a lot of reasons for an asymmetrical face. But the top 9 or 10 reasons are, first is the genetic, yani the reason which runs in families. आपके family में अगर आपकी mother, father को एक asymmetrical face है, that you, it are chances that you or your siblings might end up with an asymmetric face like that. Second is by birth deformities, जो कि progressively increase करती हैं with age as your face also develops. जैसे कि hemifacial atrophy या Romberg's disease जिसे कहते हैं. तीसरा जो हम develop करते हैं is because of our lifestyle habits. Lifestyle habits जैसे कि there are many patients or many people who are used to sleeping on their belly. जो स्टमक पे सोते हैं एंड एक साइड वन कीपिंग देयर फेस ऑन वन साइड ऑफ पिलो सो देर आर चांसेस दैट देर इज़ एन एसिमेट्रिकल लुक. सेकेंड इफ़ यू आर यूज टू यूजिंग कीपिंग योर हैंड ऑन वन साइड ऑफ द फेस वाइल रीडिंग वाइल टॉकिंग और वाइल एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड ऑल्सो इन द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ लाइक द वे यू स्माइल. अगर आपकी आप एक तरफ ज़्यादा स्माइल करते हैं तब उस तरफ के फोल्ड्स क्रीसेस जो है डिफरेंट तरीके से डेवलप करते हैं एंड यू माइट एंड अप एक्सप्रेसिंग और हैविंग एन एसिमेट्रिकल फेस विद टाइम. इसके अलावा आपकी बहुत सारी अदर हैबिट्स लाइक स्मोकिंग ऑल्सो एग्रीवेट्स योर एसिमेट्रिकल फेस. जो चीज़ें आपको नोटिसेबल पहले नहीं थी बाद में पोटेंशली ज़्यादा नोटिस होती हैं बिकॉज ऑफ the effect of smoking. Then comes aging. Aging also exacerbates or make the asymmetries more prominent with age. So most noticeably the sagging. One side of face may sag more than the other, A, because of the sun damage also, and second because of your lifestyle habits as well. इसके अलावा इफ़ यू आर हैविंग एनी डेंटल वर्क जैसे कि आपने अगर कोई टूथ एक्सट्रैक्शन कराया है दैट मे ऑल्सो चेंज योर फेशियल प्रोफाइल. योर डेंटल वर्क में अफेक्ट योर बोनी चेंजेस इन द फेस. इसके अलावा सन डैमेज इज ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट रीजन. देर आर मेनी मेडिकल डिसऑर्डर्स एज वेल लाइक फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी जिसे कहते हैं जिसकी वजह से हमारे को एक एसिमेट्रिक लुक मिलता है. इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल कॉज है जैसे ट्विस्टेड नेक है जो बाय बर्थ जिसको हम टॉर्टिकोलियस कहते हैं दैट ऑल्सो लीड्स टू एन एसिमेट्रिक फेस. इसके अलावा आपके बहुत सारे पोस्ट ट्रोमेटिक स्कार्स होते हैं या पोस्ट ट्रॉमा अगर हमारे फेशियल फ्रैक्चर्स होते हैं दैट ऑल्सो लीड्स टू फेशियल डिस्प्रोपोर्शंस या फेशियल एसिमेट्री ऑफ द फेस. अलॉन्ग विद एनी एक्सटर्नल कॉजेज लाइक पोस्ट बर्न स्कारिंग या पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर अगर हमारे नेक में हो रहा है या फेस के आसपास हो रहा है या फेस में भी हो रहा है उसकी खिंचन की वजह से उसकी स्ट्रेच की वजह से डिफॉर्मिटी आती है फेस में जिसकी वजह से एसिमेट्रीज हो सकती हैं. तो ये बहुत सारे रीजन्स हैं जिनमें से कि टॉप 10 रीजन्स मैंने एनलिस्ट किए हैं एंड इनमें से बहुत सारे रीजन्स जो है मेडिकली करेक्ट हो सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से करेक्ट हो सकते हैं. आपको ये अपने क्लिनिशियन के पास अपने एक्सपर्ट के पास प्लास्टिक सर्जन के पास कंसल्ट करके अपने आप को इवैल्यूएट कराना चाहिए कि किन रीजंस की वजह से या किन कारणों की वजह से यू आर एंडिंग अप विद एन एसिमेट्री ऑफ वन साइड ऑफ फेस. दिस द प्लास्टिक सर्जन कैन बेस्ट इवैल्यूएट व्हाट इज द रीज़न एंड कैन गिव यू एन एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर दिस एसिमेट्री. Like I said, there are a lot of reasons. So there are, the treatment also depends accordingly. First is your lifestyle modification. आप अपनी lifestyle में अपनी sleeping habits, अपनी way of expressing कुछ हद तक modify कर सकते हैं जिसकी वजह से asymmetries जो बहुत noticeable थी with time कम noticeable होती हैं. Then अगर medical condition है like Bell's palsy या stroke है जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं अगर वो आपकी मेडिकली ट्रीट हो जाती है देन मोस्ट ऑफ दीज एसिमेट्रीज कैन बी करेक्टेड टू सम एक्सटेंट. अगर इन सब चीज़ों से मॉडिफिकेशन से लाइक इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग एंड यू प्रिवेंट सन डैमेज यू चेंज योर लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड और
इफ़ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन दैट यू हैव ट्रीटेड. इन सब के बाद भी अगर आपकी रेसिडुअल एसिमेट्रीज रहती है देन यू आर अ कैंडिडेट फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग दीज एसिमेट्रीज ऑफ फेस. एसिमेट्रीज ऑफ फेस सर्जिकली हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. अगर आपका कोई एक्सटर्नल कॉज है तो उसको पहले हम करेक्ट करते हैं, लाइक ट्विस्टेड नेक टॉर्टिकोलिस जैसे मैंने बताया, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं. कोई पोस्ट बर्न स्कारिंग की वजह से आपकी पुलिंग हो रही है जिसकी वजह से एसिमेट्री होती है, उसको करेक्ट कर सकते हैं. कोई पोस्ट ट्रोमेटिक स्कार है आउटसाइड द फेस अराउंड नेक और अराउंड सराउंडिंग रीजन ऑफ फेस, उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं. तो एक सर्जिकल इंटरवेंशन है जिसमें एक्सटर्नल कॉजेज को हमने हटाया. उसके बाद हम देखते हैं कि आपके इंटरनली फेशियल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कोई ऐसा चेंज तो नहीं जिसकी वजह से एसिमेट्री हो रही है, तो उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं. अभी इंटरनल फेशियल स्ट्रक्चरल एनाटॉमी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इफ़ वी गो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, पहले आते हैं बोनी चेंजेस, आपके फेशियल स्केलेटन में कोई चेंज तो नहीं. दूसरा, उसके ऊपर आपके सॉफ्ट टिश्यू यानी सबक्यूटेनियस पार्ट में या मसल के पार्ट में कोई चेंज, ऐसा चेंज तो नहीं जिसकी वजह से एसिमेट्री हो रही है. एंड थर्ड द आउटर मोस्ट पार्ट इज़ योर स्किन एलिमेंट. अकॉर्डिंगली वी डिसाइड, वी इवेल्यूएट एंड प्लान आउट अ ट्रीटमेंट फॉर यू. सो इफ वी गो सो इनसाइड टू आउटसाइड जाएंगे अगर हम, वील स्टार्ट विद चेंजेस इन योर बोन स्ट्रक्चर. आइदर वन साइड ऑफ द बोन और पार्ट ऑफ योर फेस इज लेस डिवेलप बिकॉज देर इज लेस डिवेलप्ड बोन of your face, or the other side of the face the bone is overdeveloped. These are two reasons. The other is with age there might be bony resorptions of one part of face, or because of any medical conditions like hemifacial atrophy there can be progressive absorption of your bone of one side, or by birth there is hypoplasia or maldevelopment of your bone. Iske ilawa secondarily because of any trauma आपकी बोन्स डिस्प्लेस हो सकती है वन साइड में, विच कैन लीड टू डिफॉर्मिटीज और एसिमेट्रीज ऑफ योर फेस. इफ़ वी कम टू सॉफ्ट टिश्यू, तो सॉफ्ट टिश्यू में आपका मसल्स आती हैं, अदर सबक्यूटेनियस एलिमेंट्स आते हैं. तो आइदर आपकी एक पार्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स या मसल्स ऑफ ईटिंग या मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन ओवर डेवलप्ड है एक साइड की, जिसकी वजह से यू फील दैट वन पार्ट ऑफ योर फेस इज़ फुलर, और यू माइट फील कि कॉरस्पॉन्डिंगली आपका दूसरा पार्ट लेस डेवलप है बिकॉज एक पार्ट ऑफ मसल जो है आपकी ओवर यूज है या हाइपरट्रॉफीड है. इसके अलावा सिमिलरली जैसे बोन में चेंजेस होते हैं वैसे एक साइड का सॉफ्ट टिश्यू आपका लेस डेवलप हो सकता है या दूसरी साइड की ओवर ग्रोथ हो सकती है. इसके अलावा विद टाइम विद एज या तो देर कैन बी लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और देर कैन बी सैगिनेस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू विद टाइम विद एज. इफ़ वी कम टू द स्किन, देर कैन बी थिकनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्कारिंग, देर कैन बी फाइब्रोसिस ऑफ द स्किन, देर कैन बी थिनिंग ऑफ द स्किन विच कैन लीड टू एसिमेट्री. इसके अलावा बिकॉज ऑफ सर्टन पिगमेंटरी चेंजेस यू माइट फील दैट देर इज अ शेडोइंग इफेक्ट विच इज लीडिंग टू asymmetries of your face. There can also be loss of support to the skin because of the loss of subcutaneous structure leading to sagginess or more sagginess in one part of your face. ये सारे changes या तो एक single layer में bony, soft tissue या skin में हो सकते हैं, या all the three layers can be involved. So this expert plastic surgeon will evaluate you after full examination and form a treatment for you. Accordingly, जो भी आपकी कंडीशन है, वेदर इट्स ओवर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट और रीजॉर्प्शन और लैक ऑफ सपोर्ट, दीज कैन बी ट्रीटेड अंडर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ए, आइदर वी विल ऑगमेंट और एनहांस अ लेस डेवलप पार्ट और वी विल रिड्यूस एन ओवर डेवलप पार्ट और वी विल रीओरिएंट और रीप्लेस सर्टन पार्ट सर्टन टिश्यू. इफ़ वी कम टू द बोनी पार्ट, बोन में ऑगमेंटेशन या एनहांसमेंट ऑफ अ लेस डेवलप पार्ट हम दो तरीके से करते हैं. आइदर वी पुट अ बोन ग्राफ्ट टेकिंग द बोन फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी एंड प्लेसिंग इट एंड फिक्सिंग इट, और वी यूज अ फॉरेन मटीरियल इन टर्म्स ऑफ इम्प्लांट्स. नाउ इम्प्लांट्स कैन बी टू टाइप्स, आइदर सिलिकॉन इम्प्लांट्स और अ मेडप्रोड इम्प्लांट्स. द एडवांटेज ऑफ अ मेडप्रोड इम्प्लांट इज दैट दे गेट इंटीग्रेटेड इन योर बॉडी विद टाइम. इसके अलावा इफ़ यू हैव टू रिड्यूस द बोनी स्ट्रक्चर दैट कैन बी डन बाय आइदर अ रिडक्शन प्लास्टी ऑफ योर बोन और शेविंग अ पार्ट ऑफ योर बोन एंड रीअलाइनिंग इट.
The third and the most complicated part, and where the expertise of a plastic surgeon lies, is reorienting or realigning your displaced or your malpositioned part of your bone to give you a symmetrical face. These are done by special operations which we call as Lefort osteotomies, or if you are involving a chin, this is known as genioplasty, or upper or lower jawline corrections can be done, or by means of any other surgically Third and the most complicated part, where the expertise of plastic surgeon lies, is reorienting or realigning your misplaced or malpositioned part of your bone to give you a symmetrical face. These involves specialized operations which we call as Lefort osteotomies or Lefort operations of your upper jaw, lower jaw, or both the jaws to give you a symmetrical look by reorienting your bony elements of face. Along with that, if you are involving a face, we do genioplasty, in which we can align your chin either forward, backward, reduce the size of your chin, or lengthen your chin and give you a good symmetrical jawline as well. If we come to soft tissue, the augmentation enhancing part of soft tissue can be done either by fat grafting, which is your own body fat, or we can do it by means of an artificial foreign body, which is known as fillers. Now, fillers again is a temporary procedure, the effect of which goes off in 12 to 18 months. And fat grafting vis-a-vis is a long-lasting procedure, but to get a desired result, fat grafting has to be done in stages at a gap of 6 months to get your desired result. If you have to reduce your soft tissue, there are many techniques to do it. Either you surgically excise soft tissue, or by means of liposuction, we can give you a more symmetrical look. The skin element, the sagginess of the skin, can be corrected by various lift procedures, which we call as brow lift, facelift, or any kind of, you know, enhancing procedures. So collectively, we can give you good symmetrical face by comprehensively combining all these procedures and give you your desired result. If you have any queries regarding any kind of specific asymmetries you have in your face, or you want us to make good other videos on asymmetries of face, you're most welcome to write to us your queries. We will be very happy to help you. You can follow us on our YouTube channel. You can also look for our Instagram handle by the name of DS Kalpit and follow us for any further updates. Thank you.